हेलो एंड वॉर्म वेलकम टू सवाल जेई। बच्चों आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं, कोई एक ऐसा स्टूडेंट है जो चाहता है कि मुझे एनआईटी मिल जाए, भले ही मुझे कोई भी एनआईटी मिल जाए, कोई भी ब्रांच मिल जाए चलेगा, तो इसके लिए कितने मार्क्स लाने होंगे। तो बेटा ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं जो सिर्फ ये चाहते कि एनआईटी मिल जाए, भले ही पीछे से मिल जाए और कोई ना कोई ब्रांच मिल जाए, मैं एनआईटी से बीटेक कर लूं, बस मुझे क्या डिग्री से मतलब है। तो बेटा अगर कोई एक ऐसा बच्चा है जो किसी भी एनआईटी के लिए एग्री करता है, किसी भी ब्रांच के लिए एग्री करता है, तो डेफिनेटली उसके लिए मैं आपको पूरी जानकारी बताऊंगा कि कितने मार्क्स पे तुमको ऐसा एनआईटी मिल जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो बेटा देखो, अगर तुमको कोई भी एनआईटी और कोई भी ब्रांच के साथ चाहिए तो तुम अपना टारगेट बना सकते हो सिर्फ और सिर्फ 120 प्लस का। अगर तुम 120 प्लस का टारगेट बनाओगे तो तुमको डेफिनेटली कोई ना कोई एनआईटी किसी ना किसी ब्रांच के साथ क्या मिल जाएगा। तो बेटा ये एक टारगेट क्या है, जनरल कैटेगरी के लिए है। अगर तुम जनरल कैटेगरी के अलावा ईडब्ल्यूएस में हो, ओबीसी में हो, एससी में हो, एसटी में हो, तो बेटा तुम्हारा टारगेट क्या है इससे कम ही रहेगा। तुमको ध्यान रखना है जो तुम्हारा पेपर होता है 300 मार्क्स का, उसमें से तुमको सिर्फ और सिर्फ 120 मार्क्स लाने हैं और उतने मार्क्स में तुमको क्या कोई ना कोई एनआईटी किसी ना किसी ब्रांच के साथ मिल जाएगा। तो बेटा इसके लिए जो तैयारी है वो तुमको करना पड़ेगा, ऐसा नहीं कि तुमको ऐसे ही चुटकियों में मिल जाएगा, बिकॉज इतना भी इजी नहीं होता है लेना। और बेटा अगर तुम 120 मार्क्स के लिए मेहनत करने की सोच रहे हो तो डेफिनेटली मेहनत करने की सोचो, क्योंकि अगर नहीं सोचोगे तो तुमको क्या कोई भी एनआईटी वगैरह नहीं मिलेगा, तो फिर तुम्हारा क्या है सिर्फ जेईई मेन क्वालिफाई होगा और तुम क्या है किसी ना किसी कॉलेज में एडमिशन तो ले पाओगे, लेकिन तुम एनआईटी में नहीं ले पाओगे। तो एनआईटी जाते हो तो तुमको अपने टारगेट को सेट करना है। और बेटा एक चीज ये भी ध्यान रखना है कि जो तुम्हारे मार्क्स है 120 वो कितने क्वेश्चंस हुए, तो बेटा 120 मार्क्स के लिए तुमको सिर्फ और सिर्फ सही करने होंगे सिर्फ और सिर्फ 30 क्वेश्चंस करेक्ट करने के बाद तुमको क्या है 120 मार्क्स मिल जाएंगे। बेटा 30 क्वेश्चंस का मतलब देखो क्या है, 30 क्वेश्चन का मतलब है 10 क्वेश्चन तो फिजिक्स में कर लो, 10 क्वेश्चन केमिस्ट्री में कर लो, 10 क्वेश्चन तो मैथ में कर लो, ऐसा कर लोगे तो डेफिनेटली तुमको क्या मिल जाएगा। बेटा 10 क्वेश्चंस भी नहीं कर पाओगे तो फिर तुम क्या करोगे। बेटा ओवरऑल तुम्हारे एक सब्जेक्ट में, ओवरऑल तुम्हारे एक सब्जेक्ट में क्या 30 क्वेश्चन आते हैं, एक सब्जेक्ट में 30 क्वेश्चन आते हैं जिसमें तुम्हारे 20 एमसीक्यू होते हैं और 10 तुम्हारे न्यूमेरिकल वैल्यू बेस्ड होते हैं, जिसमें तुमको 10 न्यूमेरिकल वैल्यू बेस्ड में से तुमको सिर्फ और सिर्फ करने होते हैं 5 क्वेश्चन, मतलब 25 क्वेश्चन अब तुम्हारे जो तुमको करने हैं, जिसमें से तुमको अगर 10 भी कर लेते हो हर सब्जेक्ट में तो तुमको क्या है एनआईटी तुमको मिल जाएगा। तो बेटा अगर इतना भी नहीं कर पाओगे तो तुम्हारे पढ़ने का क्या मतलब है। तो बेटा एक बार अपनी तैयारी को अच्छे से करो, एक और फोकस के साथ पढ़ो। और जिन बच्चों की तैयारी अच्छी नहीं है वो बच्चे क्या करें, प्लेलिस्ट में जाएं। तो बेटा प्लेलिस्ट का नाम है जेईई मेन। अगर बेटा तुम जेईई मेन प्लेलिस्ट में जाते हो तो तुमको 3 वीडियोस मिलेंगे, इंपॉर्टेंट चैप्टर फॉर फिजिक्स, इंपॉर्टेंट चैप्टर फॉर केमिस्ट्री एंड इंपॉर्टेंट चैप्टर फॉर मैथ। बेटा इसमें जो चैप्टर का वेटेज ज्यादा है, जिस चैप्टर से क्वेश्चन ज्यादा पूछे जाते हैं, वो सारे चैप्टर तुमको मैंने बताया है। तो तुमको सिर्फ और सिर्फ जाना है जेईई मेन प्लेलिस्ट में और वहां जाकर इन 3 वीडियोस को देखना है। तो बेटा तुम्हारी कोई भी क्वेरी है, कोई भी तुम्हारा डाउट है तो तुम नीचे कमेंट हो से कमेंट करके पूछ सकते हो। और बेटा अगर तुम अपने टारगेट को पूरा करने में पीछे रह रहे हो और तुमको मेरी हेल्प चाहिए तो बेटा मैं क्या है 1-to-1 क्लासेस भी प्रोवाइड करता हूँ, जिसमें डायरेक्टली तुम क्या है मेरे साथ क्वेश्चंस को पूछ सकते हो। जो भी तुम्हारे 11 के टॉपिक वीक हैं या 12 के टॉपिक वीक हैं या कोई पूरा चैप्टर ही वीक है, वो सब तुम क्या डिस्कस कर सकते हो। तो जो भी बच्चे 1-to-1 क्लासेस के लिए इंटरेस्टेड हैं वो हमारे कॉन्टैक्ट नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो बेटा हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है 8318558856। फिर से एक बार बता देता हूँ, 8318558856। तो बेटा ये कॉन्टैक्ट नंबर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो आप जाके क्या है एक बार कॉन्टैक्ट कीजिए और अगर 1-to-1 क्लासेस लेना चाहते हो डेफिनेटली क्लास ले सकते हो। और बेटा मैं तुम्हारे साथ एक चीज ये भी शेयर करना चाहूंगा कि बेटा तीनों सब्जेक्ट पे फोकस करना। कुछ बच्चे क्या करते हैं तीनों सब्जेक्ट फोकस नहीं करते, वो सोचते हैं कि चलो एक ही फोकस कर लेते हैं जो मेरा अच्छा है। बेटा तीनों सब्जेक्ट पर फोकस करोगे तो तुम्हारे लिए ज्यादा बेटर होगा। ऐसा इसलिए बिकॉज कई बार क्या होता है कि जो सब्जेक्ट तुम्हारा स्ट्रांग था उसी सब्जेक्ट का पेपर क्या टफ आ गया, जो सब्जेक्ट तुम्हारा स्ट्रांग था और उसी का पेपर टफ आ गया तो तुम्हारे लिए समस्या खड़ी हो जाएगी, क्योंकि तुमको सिर्फ वही सब्जेक्ट आता होगा। तो ऐसे तीनों सब्जेक्ट को इक्वली पढ़ना है, जिससे कि तुम्हारा अगर एक सब्जेक्ट टफ आता है तो दो सब्जेक्ट के जो तुम्हारे क्वेश्चन है वो तुम्हारे आसानी से हो जाएं। तो इसलिए तुमको क्या तीनों सब्जेक्ट पर अच्छे से फोकस करना है। और बेटा कोई भी तुम्हारा प्रॉब्लम है, कोई भी डाउट है,
तो नीचे कमेंट हो से कमेंट करके पूछ सकते हो। अगर तुम्हारा कोई भी अच्छा दोस्त है जिसके तुम चाहते हो भाई मार्क्स वगैरह बढ़ जाए तो डेफिनेटली इस वीडियो को शेयर करो, और अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि आपके लिए मैं और भी ऐसे वीडियो लाता रहूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।